गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है पंकज और आप सभी को स्वागत है इंडिया इन्फ्रा टीवी में। इंडिया इन्फ्रा टीवी आपको अपने शहर, अपने स्टेट और अपने देश से जुड़ी एक से एक बड़े बड़े परियोजनाओं से रूबरू कराता है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 में ही मैंने भारत के लगभग सभी बड़े शहर और सभी स्टेट से जुड़ी मैंने सभी मेगा प्रोजेक्ट को कवर करा है। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर जरूर करें, आपको एक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगी। ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नए शहरों का विकास किया जा रहा है। नए शहर वर्ल्ड क्लास और हाईटेक होगा, जो ना सिर्फ एक ग्रीनफील्ड सिटी होगी बल्कि एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड सिटी होगी। ऐसे में आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रीनफील्ड सिटी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। उत्तर प्रदेश की पहली अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटी है नब्बे अयोध्या। नब्बे अयोध्या बीजेपी गवर्नमेंट की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे एक वैदिक सिटी के रूप में प्लान किया गया है। वैदिक सिटी दिव्य, भव्य और नव्य होगा जिसे 2001 लेन में विकसित किया जाएगा। जानकारी के अकॉर्डिंग नब्बे अयोध्या भव्य तो होगा ही, गिफ्ट सिटी के तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा, जो इस तरह की ग्रीनफील्ड सिटी पूरी दुनिया में पहली होगी। वैदिक सिटी की कई खास बातें होगी जो किसी दूसरे वीडियो में आपको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं 85% की जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 500 करोड़ रुपये तक का टेंडर भी रिलीज कर दिया गया है। तो देखते हैं अयोध्या में प्रपोज किया गया है नब्बे अयोध्या सिटी जो कि एक वैदिक सिटी के रूप में डेवलप होनी है वो कब तक तैयार होती है। वैसे इसे मास्टर प्लान 51 के अंतर्गत प्लान किया गया है, तो बस उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस वैदिक सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। उत्तर प्रदेश की दूसरी अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटी है ऐदा सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत प्लान किया गया ऐदा सिटी यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप कर रही है, जो इस पूरे शहर को ऐदा के नाम से जाना जाएगा। ऐदा 25,000 हेक्टेयर लैंड में फैला होगा जिसे दो अलग अलग फेसेस में तैयार करनी है। बताया जाता है कि ऐदा सिटी भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से डेवलप होने वाला शहर है, जहां आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। ऐसे में देखते हैं ऐदा सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना रही है वो कब तक तैयार होती है, कितने की इन्वेस्टमेंट आती है। उत्तर प्रदेश की नेक्स्ट अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटी है ग्रेटर लखनऊ। ग्रेटर लखनऊ योगी आदित्यनाथ जी की महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका एम्बिशन दिल्ली NCR के तर्ज पर विकसित करना है। दिल्ली NCR आज अलग अलग स्टेट्स के शहरों को मिलाकर डेवलप किया जा रहा है, उसी तरह ग्रेटर लखनऊ को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों को, गांवों को शामिल करके विकसित किया जाएगा। शहर हैं उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और कानपुर, ये सभी शहर लखनऊ से सटा हुआ है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी इसे एक ग्रेटर लखनऊ के रूप में सभी गांवों को डेवलप करेगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। ऐसे में देखते हैं यहाँ पे कितने की इन्वेस्टमेंट होती है और कब तक यह आकार लेना शुरू करती है। फिलहाल मेरी नेक्स्ट अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटी है नया गोरखपुर। यह गोरखपुर GIDA के नाम से भी जाना जाएगा, जिसे 13,135 एकड़ एरिया में डेवलप किया जा रहा है। बताया जाता है कि गीडा के अंतर्गत 32 अलग अलग सेक्शंस होगी जिसे नोएडा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जी दोस्तों, आज के डेट में अगर गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट की बात करें, सभी इन्वेस्टमेंट GIDA में ही है जो कि आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से डेवलप भी हो रही है और 2031 तक अपना अस्तित्व भी दिखाना शुरू कर देगी। तो उम्मीद करेंगे कि यह गीडा जो कि नया गोरखपुर के नाम से भी जाना जाएगा उसमें आने वाले वक्त में कितने की इन्वेस्टमेंट होती है और कितने लोगों को रोज़गार मिल पाते है। उत्तर प्रदेश की नेक्स्ट अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटी है ट्रांसगंगा सिटी। ट्रांसगंगा सिटी जिसे नया कानपुर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। जी दोस्तों, नया कानपुर 10,000 एकड़ एरिया में विकसित होगा जो कि वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिटी होगी। आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं एक बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इसकी डिज़ाइन दी गई है और इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया गया है जो कि एक सेक्शन वाइज एक प्लान तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया जाएगा। यह एक आइकॉनिक सिटी भी होने जा रही है जो गंगा पार गंगा किनारे डेवलप करेगी। इसे में उम्मीद करेंगे यह ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी जिसे नया कानपुर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है वो आने वाले समय में कितने की इन्वेस्टमेंट होती है और कब तक अपना अस्तित्व दिखाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। उत्तर प्रदेश की नेक्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी है ग्रेटर बनारस।
ग्रेटर बनारस रिंग रोड के किनारे 1000 एकड़ एरिया में प्रपोज किया गया है। यह शहर 4 अलग अलग टाउनशिप के जरिए विकसित करेगी, जहां फिलहाल 4000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जारी कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसे बनारस के ही तर्ज पर विकसित की जाएगी, जहां पे सभी तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगी और इसे एक वैदिक सिटी के रूप में भी विकसित की जाएगी, जो कि वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे इंप्लीमेंट किया जाना है। उत्तर प्रदेश की नेक्स्ट अपकमिंग ग्रीनफील्ड सिटी है सरस्वती हाईटेक सिटी। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट नैनी में प्रपोज किया गया है, जिसे 1500 एकड़ लैंड में विकसित किया जाना है। जी दोस्तों, यह एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। नैना सरस्वती हाईटेक सिटी एक ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि इस पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट तो लाएगी ही, लोगों को लार्ज स्केल में रोजगार भी मिलेंगे। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि ये सरस्वती हाईटेक सिटी जल्द से जल्द तैयार हो। वैसे इस पर एक डिटेल वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है। और आखिरी में हम एक नई ग्रीनफील्ड सिटी पर जिक्र करेंगे, जो कि न्यू नोएडा सिटी है। न्यू नोएडा अभी रिसेंटली ही प्रपोज की गई है, जो कि मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत विकसित करेगी। न्यू नोएडा से जुड़ी मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो अभी रिसेंटली ही बनाई है, आप चाहे तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करी है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि इस न्यू नोएडा सिटी वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे दूसरे वीडियो को आप एक्सप्लोर करें। जय हिंद, जय भारत।